आज हमारे साथ हैं, पहले अपना नाम बताइए जी। रिंटू। आज आपका पहला ड्राइविंग है ना? हाँ। चलते रहिए, आराम से चलिएगा एक तरफ हो करके। तो बताइए, हमारा नंबर आपको कैसे मिला और कैसे आए आप, किसके थ्रू आए? यूट्यूब पर देख करके। यूट्यूब पर देखे, कैसे आ गया वीडियो हमारा? जैसे कि बात करें तो हम वीडियो देख रहे तो रील आ गया ना, उसको क्लिक करके। आप कल यूट्यूब से वीडियो देख करके उतना कहाँ से आ रहे हैं अभी, ये पहले बता दीजिए। लॉन्च से आ रहे हैं, तो उतना दूर से आप खाली कल पूछने आए थे ना हमसे कि गाड़ी सीखने के लिए। कल इनको हम टाइम नहीं दे पाए, कहा मिनट बात किए होंगे ना, जल्दी में फिर दूसरा स्टूडेंट को लेकर निकल गए है ना। हमको लगा कि पूछने वाले बहुत लोग आते हैं है ना, तो हम लोग एक मिनट समय दिए, बाकी आपको कार्ड दे दिए थे यूट्यूब पर देखने के लिए। यूट्यूब पर पहले से ही देखे हुए थे वीडियो। तो और किसी के बारे में, ड्राइविंग स्कूल के बारे में जान रहे थे क्या नवादा में है? हाँ, और जान रहे थे। लेकिन हमारे पास आप क्यों आए? हम देखे यूट्यूब पर आप अच्छा, बहुत सारा वीडियो इसीलिए हम लोग डालते हैं कि आप लोग जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी सीखने वाले हैं, अच्छा जगह ज्वाइन करें जहाँ के आपको सब कुछ सिखाया जाए, इंजन से स्टेपनी से लेके पार्किंग से चढ़ाव से बाजार गली हाईवे सब चीज। देख, ड्राइविंग सिखाना सीधा सीधी सबको सिखा दे। पहला दिन दे दिए ना जी रोड पे, गांधी स्कूल से निकाले, भगत सिंह चौक पे कितना भीड़ होता है। अभी बात करें तो 8:30 बजे ज्वाइन किया, 9 बजने वाला है, तो इस टाइमिंग पे तो भीड़ हो ही जाता, देख सकते हैं आगे का मूवमेंट, और निकाल रहे हैं। तो इसके पहले भी कभी गाड़ी चलाए थे रिंटू जी आप? देखिए आगे नहीं, कभी नहीं। बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल? बाइक चलाते हैं रिंटू जी। और चलिए चलिए, बहुत अच्छा, भगाइए राइट लीजिए, चलते रहिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा। पहला दूसरा दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आप ठीक चला रहे हैं। एक्सीलेटर दीजिए, राइट रखिए, राइट वाला आईना देखना है, और 1 से 1.5 फीट का दूरी रखना है, व्हाइट पट्टी से 1 अंगुल इधर रखना है, बस 1 फीट मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 फीट, उससे ज्यादा नहीं, बस उधर ज्यादा रहिए। स्टेयरिंग पे पूरा कमांड, यस का जो लोगो है सीधा का पहचान है, जो भी गाड़ी होता है उसके ऊपर लोगो रहता है। महिंद्रा का रहेगा तो महिंद्रा का लोगो रहेगा, सुजुकी का गाड़ी है तो यस है, टाटा का रहेगा तो टाटा का रहेगा। लोगो से पता करिए कि हमारा स्टेयरिंग बिल्कुल सीधा है, पकड़ने का पोजिशन भी सीधा है आपका, ठीक है, सीधा रखिए हैंडल, थोड़ा राइट ही दब के चलिए सीधा। यूट्यूब से बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं दूर दूर से, हिसुआ से, कभी कभी तो नवादा के बहुत 100-100 किलोमीटर से कॉल कर रहा है, कोई कोई बात करता अच्छा लगता आ भी जाता है लखीसराय से और बहुत दूर दूर से। चलिए चलते रहिए। आप लोग भी दोस्तों, अगर सपना है कि गाड़ी चलाना सीखे चार पहिया और पैसा बर्बाद ना हो, सीख जाए अच्छे से, हम लोग गारंटी देते हैं सिखाने का। चलिए राइट रखिए, जुड़िए आरकेएस कार ड्राइविंग स्कूल, मंटन मोटर ट्रेनिंग अकेडमी, दोनों नाम मेरा ही है, आइए जुड़िए और सीखिए, बहुत अच्छे से आपको ड्राइविंग जो है सिखाया जाएगा है ना। बाकी देख सकते हैं अभी रिंटू जी ड्राइविंग कर रहे हैं, सेकेंड गियर है, 30 तक जा सकते हैं जी, 15 से 30 तक, थोड़ा अभी बैलेंस बनाइए, और स्पीड चलने से कंट्रोल नहीं बनेगा आपका, स्लो चलिएगा, ठीक है, कमांड करना है अभी, चलते रहिए, गो, बहुत सही। तो जुड़िए आरकेएस कार ड्राइविंग स्कूल के से, जो कि गांधी स्कूल के पास नवादा बिहार के अंदर है। कृपया करके बहुत दूर दूर से लोग कॉल ना करें, एड्रेस देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, नवादा बिहार के अंदर है ड्राइविंग स्कूल। कुछ लोग दिल्ली से कॉल करते था भैया, यूपी से कॉल करता था, तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग नहीं आ पाएगा है ना। ओके, चलते रहिए आराम से, सीधा रखिए जी, हॉर्न का यूज ज्यादा करिए, चलते रहिए रिंटू जी, भाई सेकेंड गियर में है, 30 तक आराम से जा सकते हैं, उसके बाद 3rd गियर लगाइए, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दबाइए, सी को दबाइए, बीच में लागू, ऊपर सेंटर में आइए, बीच में, ऊपर गए ना, हाँ ऊपर, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा करके खाली ऊपर कर देना है, हाँ 3rd हो गया, क्लच छोड़ के रेस करिए, क्लच छोड़ दीजिए पहले पूरा, क्लच छूट गया ना, अब एक्सीलेटर दे सकते हैं, 3 गियर में 30 से 45 तक आराम से चल सकते हैं, चलिए गो, क्लच छोड़ के रेस करिए, चलते रहिए। स्लो, एकदम सीधा चलिए और स्लो रहिए, यहाँ पे गियर 1 करिए, 3 से क्लच दबाइए सबसे पहले, हल्का पीछे करिए, मेरे तरफ दबिए पूरा, ये ऊपर कर दिए 1 गियर, इंडिकेटर नीचे करिए, इसको नीचे किया जाता है, मतलब राइट मोड़ना है, ठीक है, चलिए स्लो रहिए, कटिए राइट जल्दी, कटिए दिन तक, और जल्दी लपेटिए जल्दी, मैजिक वाक जाए दीजिए, दादा को जाए दीजिए, चलिए क्लच छोड़िए धीरे, आराम से देखते हुए, इधर रोड देखते हुए, इसको 2 राउंड रिटर्न करना सीधा करने के लिए, ठीक है ना, चलिए जल्दी रिटर्न, एक राउंड और, 2 राउंड हो गया, चलिए रेस करिए, भगाइए एक तरफ होके, चलिए सीधा रखिए हैंडल सीधा, गियर एक्सीलेटर छोड़िए, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच, सेकंड गियर, क्लच वाली दबाइए,
क्लच में दबाइए, पूरा दबाइए क्लच को, फुटबॉल की किक की तरह दबाना है, ऐसा नहीं कि हल्के बस टच किए, टच नहीं करना, पूरा एकदम फ्रेश पावर के साथ। सेकेंड गियर में है, आराम से 15 से 30 तक आप कवर कर सकते हैं स्पीड को, चलते रहेंगे। ऊपर जा रहा है, 33 जा रहा है, थर्ड गियर लगाना पड़ेगा। एक्सीलरेटर छोड़िए, क्लच दबाइए जल्दी, फास्टली क्लच दबाएंगे, फास्टली क्लच दब गया ऊपर जाके बीच में, फिर ऊपर ऊपर अप 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 हो गया थर्ड गियर, बहुत अच्छा। थर्ड गियर में 30 से 45 तक कवर करेंगे स्पीड, सीधा रखिए हैंडल, स्लो रहिए। देखिए यहाँ कट है तो थोड़ा स्पीड कम कर लिए, कोई भी एंट्री कर सकता है, अभी नए हैं हम, थोड़ा लिमिट में चलेंगे, स्पीड पे फोकस कम करेंगे, चलते रहेंगे। जब भी ओवरटेक करिएगा हॉर्न यूज करके ओवरटेक करना है, चलते रहिए चलते रहिए, थोड़ा राइट रखिए, हॉर्न का यूज करिए लॉन्ग टाइम तक, गुड गुड, स्लो रहेंगे, सीधा रखेंगे, हाथ का पोजिशन ही गलत है, ठीक है। एक हाथ यहाँ रखेंगे आराम से, एक हाथ यहाँ, कि आप नहीं भी देखिए स्टीयरिंग को तो आपको पता चल पाए कि हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है, और गाड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। राइट रखिए, सीधा रखिए हैंडल, और चलते रहिए, रेस करके चलिए, चलते रहिए, भगाइए। देख सकते हैं रिंटू जी का हम फर्स्ट डे इसलिए रिकॉर्डिंग किए हैं कि कैसा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। इनका लास्ट डे का भी एक रिकॉर्डिंग जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब जितने भी स्टूडेंट आएंगे लगभग सबका रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन किसी किसी का प्राइवेसी होता है, मैडम लेडीज गर्ल्स का, तो सबका थोड़ा हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो बाकी दोस्तों आप लोग आइए और सीखिए गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से। क्या आगे लग रहा है दिक्कत, एक्सीलेटर छोड़ देंगे, एक्सीलेटर छोड़ देंगे, क्लच दबाएंगे, गियर डाउन करेंगे जी, सेकंड गियर करिए जल्दी, हल्का पीछे लाके लेफ्ट दब के पीछे पीछे कॉर्नर में, कॉर्नर क्लच में दब रहा है पूरा, क्लच जीरी सुन भी छूटल रहेगा नाखून में इतना, तो नहीं गियर सही से लगेगा। तो क्लच एकदम मारिए बल से, किक की तरह क्लच सीधा रखेंगे, चलते रहेंगे, थोड़ा स्थिरता से चलिए, स्लो रहिए, थोड़ा राइट रखिए, राइट एक डेढ़ फीट मेंटेन रखना है स्पीड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल, आप डर के नहीं चला रहे, देखिए आपने शुरू से आपको डर नहीं है, डर नहीं है तो ठीक है, थोड़ा सा डर होना चाहिए सेफ्टी के लिए। स्लो, अभी आप लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट लीजिए हल्का, देखिए आईना देखेंगे, ये आईना सेट है जी, लेफ्ट वाला ORBM सेट है ना, चलिए तो बहुत अच्छा है, क्लच छोड़ के भागिए था, रेस करिए था, और रेस करिए था, बहुत अच्छा। अब आईना देखिए, दाइने कोई नहीं है, दब जाए दब जाए, हाँ मेन ही सब रोल होता है, आईना देख के दाबना, आगे दिक्कत लग रहा है, स्लो होना स्टार्ट, वहां जाके नहीं रुकेंगे, छोड़िए ब्रेक, छोड़िए ब्रेक, ठीक है, पहले से स्लो होना रहता है। चलिए हॉर्न देना है, हॉर्न देना है ज्यादा, नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा यूज होता है, चलिए चलते रहेंगे, हॉर्न हॉर्न हॉर्न, राइट रखेंगे, राइट रखेंगे, चलते रहिए, भगाइए, स्लो चलिए, गो, थोड़ा राइट रखिए, हॉर्न का ज्यादा यूज करिए, चलिए चलिए भगाइए, इधर हॉर्न ज्यादा यूज करिए, हॉर्न नहीं यूज करिएगा, ओवरटेक करिए तो अगला दाब देगा तो दिक्कत आ जाएगा, चलिए भगाइए, थोड़ा राइट रखिए,
स्लो रहेंगे। ओके दोस्तों बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी सिंटो जी को, रिंटू जी को थोड़ा सा ध्यान देते हैं बाजार में, है ना। ओके दोस्तों बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देख पाएं आप लोग।